तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। इधर का अगर नज़ारा आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे वीडियो पे जो लोग आए हैं एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ऐसे नज़ारे देखने के लिए गांव में ऐसे नज़ारे बहुत मिलते हैं। और मैं गांव में साइकिल से यात्रा करता हूँ तो आप लोग को नज़ारा ऐसे दिखलाते चलूँगा। और अभी मंदिर से वापस आ चुका हूँ, अब चलता हूँ इसी रास्ते के साथ। अभी नहर पर आ गया मैं और इसी रास्ते से आया हूँ, तो जो ये पुल है पुल का रास्ते से अंदर चला गया तो मंदिर को दिखला दिया हूँ। इधर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ पौधे बागीचे हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छी तरीके से खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। पेड़ पौधे के इधर लगाते हैं लोग और काफ़ी अच्छा लगता है जब इधर पेड़ पौधे लगाते हैं तो। और अभी इस टाइम पे सुबह का मौसम है तो लोग अभी खेत में अपने काम कर रहे हैं। इधर भी जंगल ज़्यादा है, इधर देख सकते हैं अभी वही वाला नहर है, नहर तो छूटा नहीं है। तो नहर के बगल में इधर देख सकते हैं जंगल है, और इधर सबसे ज़्यादा इधर भी गांव है, गांव के इधर भी पूरा जंगल है गांव के अगल बगल में। और अभी खेत में लोग पानी की सिंचाई कर रहे हैं मशीनों द्वारा। नहर में इधर पानी नहीं है क्योंकि पानी अभी ख़त्म हो चुका है। तो अभी चलते हैं मेन रोड पर। तो इधर अभी आप लोग देख सकते हैं पीछे नहर है, नहर के बगल में पेड़ पौधा ज़्यादा है, इधर भी आप लोग पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे, इधर आप लोग देख सकते हैं। और इधर घना जंगल भी है, आगे एक और बड़ा बागीचा है, जंगल है केवल उसमें सागवान का पेड़ इधर से नज़र आ रहा है, तो ही मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। तब तक तो यहाँ से देख सकते हैं, इधर आप लोग देख रहे हैं उधर पूरा पेड़ पौधा इस धान के खेत के बगल में, उधर भी है। तो यह पेड़ की वजह से छाँव धूप हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह का टाइम में चलते हैं, फिर भी आज का सफ़र काफ़ी अच्छा लगा है। तो इधर का जो एरिया है गाँव का एरिया बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत नज़ारों से भरपूर, जितना चाहें उतना इधर नज़ारा भरपूर हो सकता है। तो आ गया मैं इस मेन रोड पे, आगे जाने के लिए रास्ता भी है, मेन रोड को दिख रहा है और आगे भी चल सकते हैं। और इधर का मेन रास्ता अभी पार करके मैं आगे आ जाता हूँ, तो आगे चलता हूँ इसके रास्ते से, क्योंकि आगे का जो रास्ता है काफ़ी घना है और घने रास्ते के साथ इधर जंगल भी है। यहाँ से देख सकते हैं पूरा जंगल, इधर पूरा जंगल मिलेगा। अभी देखते हैं इधर पूरा सागवान का पेड़, दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं कितने पुराने रास्ते हैं। और इधर का जो रास्ता है ख़तरनाक भी है, मंदिर के साथ है। और इस जंगल में काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह के टाइम में। अभी आप लोग हम दिखलाते हैं, इधर आप लोग देख लीजिए कितना भयानक डरावना सा है। दोनों तरफ ही सागवान के पेड़ हैं, बगल में नहर है। तो यहाँ पे रुकते हैं, साइकिल अपनी खड़ी करते हैं। तो मैं अभी साइकिल अपनी खड़ी कर दिया हूँ। इधर चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ काफ़ी ज़ोरों से आ रही है। इधर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जंगल, अभी कितना दूर तक ये जंगल है अभी हमको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं इस रास्ते से पहली बार सफ़र कर रहा हूँ, तो काफ़ी डरावना सा लग रहा है। ये पूरा सागवान का पेड़ है, इधर भी आप लोग सागवान का पेड़ देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा के साथ इधर भरपूर है। तो अभी का नज़ारा इधर दिखाते हैं आप लोगों को, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा के साथ अभी आप लोग चलते हैं थोड़ा सा बागीचे के अंदर, इस जंगल के अंदर। तो इधर का नज़ारा आप लोग को दिखलाएंगे, क्योंकि इधर का जो ये नहर है, नहर में पानी अभी कम है, शायद इसमें साफ पानी नहीं है, तो मेन रास्ते के साथ। तो इधर को मैं आ गया हूँ, और इधर देख सकते हैं जंगल। तो जो मंदिर है, मंदिर तो इधर से काफ़ी दूर है, तो मैं आगे आ चुका हूँ। तो अब यहाँ से मैं अपना सफ़र चालू करूँगा आगे की तरफ। अभी तक के लिए यहाँ तक जो आप लोग वीडियो देखे होंगे समझ गए होंगे कि अभी ये हमारा तीसरा पार्ट है और काफ़ी खूबसूरत रास्ते के साथ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो देखते रहिए, मिलेंगे नए पार्ट में आप लोगों से। धन्यवाद। अभी मैं इस जंगल से निकल आया हूँ, क्योंकि जंगल का रास्ता इधर है, बगल में भी जंगल है, ये रास्ता देख सकते हैं आप लोग, इधर जंगल है, ये नया पार्ट है और ये अंतिम पार्ट, क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड अभी फुल हो चुका है, ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है। तो इस जंगल के साथ चलते हैं आगे, जंगल पसंद आते एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जंगल का रास्ता काफ़ी दूर तक है, पीछे वाला मेन रास्ता है। और इसी रास्ते के साथ आया हूँ, इधर आप लोग देख सकते हैं पूरा पीछे पेड़ पौधा है, पूरा जंगल है। तो पेड़ पौधा इधर भी है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो चलिए यहाँ से भी आगे चलते हैं, कितना दूरी पर है। और इधर धूप काफ़ी तेज़ है, पीछे आप लोग रास्ता देख सकते हैं। इधर का जो रास्ता है काफ़ी मेन रास्ता है, यहाँ पीछे देख सकते हैं
गाड़ी काफ़ी मात्रा में आ जा रही है और इधर पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं जल्दी से। और इस मेन रास्ते के साथ भी पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं। इधर थोड़ा सा एक जंगल है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। और अभी जो मैं आप लोग को जंगल दिखलाया हूँ तीसरे भाग में, अगर जंगल कैसा लगा है एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है और उससे ज़्यादा आगे जाना संभव नहीं है। तो क्या है कि अब वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन उधर का नहीं है और लोकेशन मेरा दूसरी तरफ का है। तो इसी रास्ते से सीधे चलते हैं आगे। अभी तो रास्ता काफ़ी अच्छा नहीं है इधर का, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है इधर। अभी चलते हैं आगे, चौराहा आएगा इधर, चौराहा है काफ़ी बड़ा चौराहा इधर। अभी यह जो रास्ता है मेन रोड है, मैं मेन रोड के साथ हूँ और अभी गांव का रास्ता छूट गया है। अभी जो लोग आप लोग जंगल देखे हैं, तो जिनको जंगल पसंद आया है एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इस हाईवे रोड के साथ हम चलते हैं अपनी साइकिल के साथ। अभी रास्ते में एक और मंदिर दिखा है वहाँ पे, उस मंदिर का मैं वीडियो बनाया हूँ बहुत पहले। और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं खेत, क्योंकि रास्ता काफ़ी अच्छा है। और इस सफ़र में बने रहिए, तो मंदिर दिखलाते हैं, मंदिर दिखलाकर आगे चलेंगे। और ये हमारा लास्ट पार्ट है, क्योंकि अभी मेमोरी बचा नहीं है कि ज़्यादा आप लोग वीडियो इसमें स्टोर हो सकें, ताकि काफ़ी खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है जो कि सड़क के किनारे ही है। और अभी धूप काफ़ी तेज़ हो गया है, तो मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ कि इतना काफ़ी तेज़ धूप और रास्ता इतना अच्छा। तो चलते हैं इस रास्ते के साथ। और इधर का पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि पूरा इधर आप लोग देखेंगे गन्ना बहुत कम दिखेगा, और सबसे ज़्यादा आप लोग धान की खेती दिख रही है इधर। ये नरकट है सड़क के किनारे। तो चलते हैं अभी, यहाँ पर देख लीजिए जो आप लोग देख सकते हैं, पूरा जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा खेत में केवल धान की बुआई हुई है। साइकिल चलाते चलाते थक गया। अभी रास्ते में एक और मंदिर मिला है, उस मंदिर के पास चलते हैं, क्योंकि मंदिर यहाँ से दिख रहा है वहाँ पर सामने आप देख सकते हैं उस मंदिर को। उसी मंदिर के पास चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर किस भगवान जी का मूर्ति लगा है। अंदर से जाने के लिए वहाँ पे कच्ची सड़क का रास्ता है, तो कच्ची सड़क का रास्ते के साथ चलते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। रास्ता यहाँ से देख सकते हैं कच्ची सड़क है। तो चलते हैं यहाँ से, जो अभी मैं आप लोगों को दिखलाया हूँ यह मंदिर। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर भी तीन पेड़ हैं और तीनों आम के ही पेड़ हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत अच्छी तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर भी नल नहीं है, नहीं नहीं नल है, पानी पीने के लिए सुविधा है यहाँ पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इस मंदिर के नज़ारे को। तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं। मंदिर के पास मैं पहुँच चुका हूँ और मंदिर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही पूजा करने के लिए पत्थर रखे गए हैं। हमारी साइकिल वहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर चारों तरफ लगाए गए हैं ऐसे ईंटों के खंड बना करके, इसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो कि अभी पेड़ पौधे छोटे हैं। और यहाँ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो ये मंदिर है काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहाँ पर केवल पिंडी रखा गया है, मंदिर ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे खूबसूरत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के लिए रास्ता कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क यहाँ पर है। पीछे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग आ सकते हैं। इधर आम के पेड़ हैं चार और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर ये है, अंदर वहाँ पर पिंडी रखी गई है। अभी मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। रास्ते में जाते वक्त वहाँ पर मेन रोड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो मेन रोड के पास ही है यह मंदिर। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे बीच में पिंडी रखी गई है वहाँ पे। तो इतना खूबसूरत मंदिर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे और नज़ारा यहाँ काफ़ी अच्छा है। अगर यह मंदिर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखलाता हूँ। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर खंड खंड बनाया गया है यहाँ पर खंड में, तो इसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं आम के, लीची के, बरगद के और नीम के भी। और यहाँ पर भी आम का पेड़। और यहाँ देख सकते हैं कि जो ये मंदिर है काफ़ी खूबसूरत अच्छी तरीके से बनाया गया है चारों तरफ से। यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा है वहाँ पर भी। और ये अंदर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्राचीन पिंडी दर्शन, जो खूबसूरत नज़ारों में से एक है, गांव के मंदिर में से सबसे बेस्ट मंदिर यहाँ पर। अभी रास्ते में बहुत से मंदिर मिले हैं, उनमें से एक मंदिर ये भी है जो कि पुराना मंदिर है, बहुत सालों से बनाया गया है। तो यहाँ इधर का जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा है,
आप लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं इधर का नज़ारा। तो आप लोग को यह मंदिर कैसा लगा? तो अगर यह मंदिर आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक आपके लिए और एक लाइक इस मंदिर के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कैसा है यह मंदिर। तो इस मंदिर को मैं पूरा आप लोग को दिखला दिया हूँ, अगर मंदिर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे और आगे का सफ़र चालू करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं और साइकिल के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क को पार करके मैं आया हूँ और चलते हैं आगे। अभी मेन सड़क है, थोड़ी दूर पर 20 कदम की दूरी पर है, ज़्यादा दूर है। आप लोग मेन रास्ते के साथ जब आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस मंदिर को, जैसे इस तरह लग रहा है कि एक पूरा बरगद का पेड़ है, लेकिन यहाँ पर बरगद का पेड़ नहीं है, सब आम के पेड़ हैं बड़े बड़े। तो इधर से चलते हैं और आगे निकलेंगे यहाँ से जो मेन रास्ता है, मेन रास्ते के साथ। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभी रास्ते में चलते हैं क्योंकि रास्ते में एक और मंदिर आया ठीक सामने ही है, सड़क के बगल में ही है मंदिर, जो कि काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो अभी चलिए आप लोग को उसको दिखलाते हैं। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुका है, यहाँ से मंदिर आप लोग देख सकते हैं ठीक सामने, और यहाँ पर है छठ पूजा का स्थान सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर पेड़ पौधे आप लोग देख सकते हैं। आगे एक और मंदिर है, रास्ते किनारे दो मंदिर ऐसे मिल गए, एक मंदिर ठीक सामने ही है, जैसे रास्ता मुड़ा है ठीक जस्ट रोड के सामने ही है मंदिर। यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ पे दिख रहा है मंदिर ठीक सामने वहाँ पे। तो इसी रास्ते के साथ चलते हैं, और इधर भी बहुत सारे लोकेशन है आप लोग दिखलाने के लिए, कभी और टाइम मिलेगा दिखलाते हैं। मंदिर तो आप लोग देख ही सकते हैं, और मंदिर के ठीक सामने एक बरगद का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ से देखिए रास्ता, मेन रास्ते के साथ चलते हैं। देखो मैं अभी इस रास्ते पर हूँ, अभी जो घूम कर आ गया हूँ आगे, क्योंकि मेमोरी अभी मेरा जो है वो फुल हो चुका है, ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है। तो इसके बाद का जो सफ़र है मैं आप लोग को नहीं दिखला पाऊँगा, बाद में जब स्पेस खाली होता है तो आप लोग को दिखलाऊँगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, और चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जो यहाँ का ये सफ़र है, तो कुछ टाइम के लिए 2-3 मिनट के लिए ये जो हमारा कंटिन्यू वीडियो है ये चल सकता है, क्योंकि अभी स्पेस फुल हो जाएगा तो एक भी सेकंड का वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। और ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पीपल का वृक्ष है, बगल में मंदिर है। आते वक्त इस मंदिर को मैं दिखलाया हूँ, लेकिन इसी वक्त स्पेस फुल हो चुका है, और स्पेस अभी खाली करके कुछ जगह बना करके इसमें पीछे आप देख सकते हैं मंदिर। तो यहाँ से कुछ स्पेस बचाया हूँ, तो अब चलते हैं आगे। अगर यह सफ़र हमारा कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताएगा कमेंट करके, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे इस साइकिल की यात्रा में आप भी लोग भाग ले सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं इस रास्ते के साथ, क्योंकि अभी उधर से आते वक्त यहाँ का भी कुछ दर्शन कराया हूँ। तो आप लोग को हमारा ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, आज के सफ़र में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।